क्या बात है, किन सोचों में गुम हो आज? अमीन, बात करनी है आपसे। हाँ कहो। मेरा एक क्लास फेलो है, उसको बिना वजह मुझसे तकलीफ है। कैसी तकलीफ? वो कहता है। क्या कहता है? बोलो क्या कहता है वो? अमीन उसे जेलस होता है। काबिल लोगों से दूसरे हमेशा जेलस ही होते हैं। ऐसे लोगों को ना मुंह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इनके शर से बचा के रखे। अभी मैं तो उससे बात भी नहीं करता। बात जरूर करो बेटा, बस उससे उलझने की जरूरत नहीं। हाँ जी अम्मी। कल मैं खुद ही प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करता हूँ, वो ही समझाएंगे कासिम को। वो मैं जानता हूं, लेकिन अगर गलती से ये रूबी ने खा ली तो उसका पेट खराब हो जाएगा और वो 2 दिन तक बिस्तर पड़ी रहेगी। हटाओ इसे। रूबी से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी दुआ। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दुल्हा बनेगा ना? हाँ दादो, अगर शहजाद दुल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। कल स्कूल में बहुत मजा आएगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सब टीचर्स कहते हैं कि दुआ ही फर्स्ट आएगी। इंशाल्लाह दुआ ही फर्स्ट आएगी। तुम्हारी सारी उम्मीदों में पानी फेर दूंगी मैं दुआ। तुम भी आ जाया करो कभी मेरे पास, रोज मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास। दुआ बाजी को अच्छा नहीं लगता। जेलस होती है ना वो तुमसे, रोज मैं तुम्हें चीज ला के देती हूँ और उसे नहीं, बुरा लगता है उसे। खैर ये लो। अरे वाह, ये तो वही बिस्किट है ना जो आपने मुझे पहले दिए थे, बहुत मजे के होते हैं। अगर तुम्हें पसंद है ना तो मैं तुम्हें रोज ला के देती हूँ, ठीक है? कल तुम स्कूल आओगे? नहीं, कल छोटी क्लासेस की छुट्टी है ना, स्कूल में कॉम्पिटिशन है, दुआ बाजी ने भी हिस्सा लिया है। शानी मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। तुम चाहते हो कि दुआ कल कंपटीशन में हिस्सा ले? लेती रहे, मुझे क्या। फानी मैंने तुम्हें बताया था ना कि दुआ सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहती है, इसलिए उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अच्छा मेरा एक काम करोगे? आपके तो मैं सारे काम करूंगा। गुड, ये कल दुआ के नाश्ते में रख देना। घबराओ मत, अगर छुपा के रखोगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा बर्गर दूंगी। सच? हाँ ठीक है।